स्वस्थ जीवन जीने के लिए शरीर का हष्ट पुष्ट होना बहुत ही जरूरी है, और शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है वह है खेल। इस बात को आत्मसात करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय बालक बालिका खेल प्रतियोगिता आयोजन की गई। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व सांसद मधुसूदन यादव एवं अन्य के अतिथि में की गई। वहीं दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक दरेश्वर साहू उपस्थित थे, और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि बाड़ागांव चार भाटा स्कूल को स्मार्ट क्लास बनाने हेतु 5 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिससे बच्चे आज के युग में नए आधुनिक तकनीकों वैज्ञानिक पद्धतियों को जान सके, समझ सके और स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई पूर्ण करे। विधायक महोदय के साथ मंच में जनप्रतिनिधि और विशिष्ट गणमान्य लोग उपस्थित होने के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी उषा चटर्जी भी मंचासीन थी। प्रतियोगिता प्रतिभागियों के लिए ठहरने भोजन की समुचित प्रबंध किया गया था। वहीं इस जिला स्तरीय बालक बालिका वर्ग में प्रथम स्थान छुरिया ब्लॉक के बच्चों ने अथक प्रयास से खिताब को अपने नाम किया। द्वितीय स्थान डोंगरगांव ब्लॉक छात्रों ने अपने नाम किया एवं तृतीय स्थान डोंगरगढ़ ब्लॉक के खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ। इस पूरे खेल प्रतियोगिता के आयोजन में पूरी तत्परता से क्रीड़ा शिक्षकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। विजेता खिलाड़ियों को क्षेत्र के विधायक दरेश्वर साहू द्वारा पुरस्कृत किया गया। जी मैडम, बताएंगे जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है ना, तो किस प्रकार से व्यवस्था थी यहाँ पर और किस प्रकार से संपन्न कराई है खेल? बड़ी खुशी की बात है कि बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता ये दूसरा वर्ष है डोंगरगांव ब्लॉक ग्राम चार भाटा बड़गांव में आज संपन्न किया जा रहा है। इसमें कुल 250 बालक और 250 बालिकाएं और लगभग 100 शिक्षकों ने अपना ड्यूटी किया। यहाँ पे आवास की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की गई। सुबह नाश्ता, दोपहर शाम को खाना बहुत ही शानदार बच्चों को खिलाया गया, शिक्षकों को खिलाया गया, गाँव वालों की तरफ से, और यहाँ के सरपंच महोदय और एवं उनकी टीम ने बहुत ही शानदार आयोजन कराया। पूरी तरह से शारीरिक सभी सहयोग प्राप्त हुए जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में, और इस तरीके से यहाँ के सरपंच महोदय श्री वासुदेव भंडारी जी एवं उनकी टीम इस प्रकार से उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया शानदार आवास के लिए खाने के लिए भोजन सभी प्रकार के मैदान बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले प्रतिभागी कहाँ के हैं और कौन कौन? प्रथम स्थान पर आए हैं छुरिया विकास खंड, दूसरे स्थान पर आए हैं डोंगरगढ़ और तीसरे स्थान पर आए हैं डोंगरगढ़। इस तरीके से इन प्रतिभागियों ने अपने खेल कौशल को दिखाया है और बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरीके से होता रहेगा। मैं श्री मनोज चटर्जी जिला क्रीड़ा अधिकारी राजनांदगांव और मैं जिला अपने राजनांदगांव जिला की ओर से बधाई और हार्दिक आभार करती हूँ समस्त ग्रामवासियों का, दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगदम्बा। जी बताएंगे सर, आज ये खेल के बारे में बताएंगे जो जिले से जो यहाँ पर बालक बालिका जो आयोजित की गई, क्या कहना चाहेंगे? जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता चार भाटा में आयोजित था, जो कि ग्रामीणों के सहयोग से होता है और ढंग से संपन्न हुआ। सभी खिलाड़ी और गांव वालों का बात की स्थिति नहीं हुई, अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, बल्कि इस प्रतियोगिता को और अच्छा से अच्छा कराने के लिए मैं आप चाहूँगा कि शासन से कोई दिया जाए ताकि संपन्न हो सके। प्राथमिक हमारा बेस है, यदि छोटे बच्चे अच्छा खेल खेलेंगे, प्रतिभाओं को दिखाएंगे
एक अच्छा खेल का अवसर प्राप्त कर आगे अपने देश का राज्य से और सबों को ही ताकत मिला करके हम ये आयोजन सफल बनाए और मुझे बहुत गर्वित हो रहा है यहाँ कि हमारा कार्यक्रम अच्छा सफल हुई और मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डोंगरगढ़ से अमृत टांडिया की रिपोर्ट, देखते रहिए सीजी विजन टीवी।